चैन की ऑडियंस देख ही लेगी। परिवार है ऑडियंस बोलता भाई गानों को बजा रही है भाई आजा बाहर गाने बाद में सुन लियो कह रहा आ रहा हूँ भाई। हेलो 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 एवरीवन क्या हाल चाल है। हम लोग हो गए हैं थोड़ा सा लेट व्लॉग स्टार्ट करने में। एक्चुअली पूरा दिन ही काफी शूट में निकल गया भाई आज खतरनाक था। बहुत मजा आया थक गए हैं बहुत ज्यादा। और सब कितनी भीड़ हो रही है आज 26 जनवरी कहाँ है सब घर को नहीं बैठे अपने बाहर क्यों आ गए काम करने आए हैं। आई सेड ओह गॉड हम लोग ना आज बहुत ही फन वीडियो शूट करिए भाई मजाक नहीं कर रहा। जो मैकडी की चाय है ना बहुत सही लगती है मेरे को स्पेशली मुझे भी है कड़क मसालेदार होती है भाई 50 रुपए वसूल है 50 रुपए वसूल है। और भाई अगर आप लोगों ने भी कभी मैकडी की चाय पिया तो मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में ना। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ इन सब चीजों से रोज शूट हो तैयार हो ये है वो है अभी तो ऐसा लग रहा है संन्यास दे दो वैसे। प्रियंका जी अभी आराम नहीं होगा बेटा अभी पहले 200-300 करोड़ कमा लो उसके बाद आराम करना। अभी अभी आराम होगा नहीं अभी 200-300 करोड़ कमा लो फिर आराम होगा। 200-300 करोड़ तो होगा क्यों नहीं होगा बहुत कुछ होगा भाई। आई थिंक इंसान अगर वो सेल्फ सेटिस्फाइड है खुश है चाहे वो कम पैसों में लेकिन पैसे तो देखिए इंपॉर्टेंट है मेरे लिए तो है भाई। देखो मैं तो 200 करोड़ में खुश हूँ या मैं 10 में खुश हूँ 10 करोड़ रुपए रुपए अभी 10 रुपए नहीं ना 10 करोड़ ना करोड़ तो चाहिए यार भाई सिंपल लाइफ होनी चाहिए अपनी 10-12 करोड़ बैंक में पड़ा हो ब्याज आ रहा हो मोटा और जिंदगी चल रही हो बढ़िया है ना। तो कैसे मैं बता रहा था ना आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जिनके साथ आज हमारा शूट था। तो भाई सृष्टि जी निक्स किचन से एंड निखिल जी निक्स किचन से। हेलो भाई सृष्टि निखिल मत बोलो मेरे लोग हैं मोटू काकू से जानते हो मोटू काकू बोलो ये मोटू और ये पतलू काकू भाई ये नाम बड़ा सही रखा तूने मोटू काकू है प्यार से बोलते क्या मोटू काकू क्या कह रहे हो प्यार से बोलते थे प्यार। ये कंफ्यूज हो गई शॉक हो गई कि ये ब्लॉग भी कर रहे साथ साथ। हाँ हमारा ब्लॉग चलता है एक्चुअली मतलब चलता क्या डालना शुरू करा है यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी। नहीं ठीक है यार ये नेचुरल वाला तो भी चलेगा ये भी चलेगा ये भी चलेगा क्योंकि रॉ है ना यार अपने अपने खुद ही जेन्युइन बंदे हैं ये दिल वाले बंदे हैं कोई मतलब नहीं है क्वालिटी कैमरा क्वालिटी क्या खराब भी हो जाएगी तो ये एडजस्ट कर ऑडियंस देख ही लेगी ये एडजस्ट कर ऑडियंस का बहुत प्यार है हमारा परिवार है ऑडियंस बोलता है ये डाल दो स्टार्टिंग में थोड़ा ना वीरो लाइन जो फैंस बोलते हैं ना मेरे को उसमें लगता है मैंने कहा नहीं यार फैंस तो मत बोलो यार वो उनका मतलब है फैंस है तो फ्रेंड्स होता है फ्रेंड्स उसमें तो फ्रेंड्स में और फैंस में सिर्फ आर के तो फर्क है। आज वाले सरदार जी जिन्होंने मुझे रिजेक्शन दी थी गंदे लुक से मैं अभी तक उनका दिमाग से निकाल नहीं पा रही रहने सुना भी नहीं पूरा मना मैंने कहा सच्चे काल जी अरे नहीं मैं कहा आते थे उन्होंने डायरेक्टली ऐसे मना करा क्या नहीं बस चले से। भाई आज की जो वीडियो मैं आपको बताऊंगा ये लोग किस टॉपिक की बात कर रहे हैं बेसिकली जो डिस्कशन था लाइट आ जाए फिर बताता हूँ अब बड़े लाइट आ रही है। भाई आप लोग सोच रहे हो लोग डिस्कशन किस टॉपिक का कर रहे थे भाई डिस्कशन जो कर रहे हैं वो टॉपिक है कि अभी ना सुबह हम लोग एक वीडियो शूट कर रहे थे जिसके अंदर आधे घंटे के अंदर मैकडी के 5 बर्गर साड़ी गड्डी बेच पाती है या फिर भाई निक्स किचन बेच पाती है और उसका रिजल्ट आपको जानना था भाई उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पेज पे। भाई निखिल भाई ने एक सवाल पूछ रहे हैं क्या पूछो भाई मैं पूछ रहा हूँ आप अपने जीजू को भाई क्यों बोलते हो ऐसे बोलते हैं प्रियंका दीदी और ऋषभ भाई ना दादा भाई नहीं बोलता बोलता भाई जी ओ सॉरी सॉरी भाई जी और भाई भी भाई नहीं, नहीं, नहीं। भाई जी जीजू थोड़ी हो जाता है, नहीं, नहीं 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 जब आप पहाड़ों पे जाओगे ना हिमाचल हो गया अपना उत्तराखंड हो गया तो वहाँ पे ना बड़ों को अपने से बड़ों को या फिर अपने से जिनको भी रिस्पेक्ट देना चाह रहे हो उनको बोलते भाई जी क्या हाल है भाई जी चल रहे हो तो इज्जत के लिए बोलते हैं भाई जी भाई वाला वो नहीं कि रिश्ते वाला भाई। अभी आप दिल्ली में हो ना लेकिन दिल्ली में जीजू को भाई बोलोगे तो ऐसा लगेगा नहीं नहीं यार मैं उनको बोल रहा अगर भाई जी वो बोलेगा मैं बोल क्या रहा पहले इज्जत से बोल मैं बताता हूँ क्या सीन है यार देखो जो ऋषभ भाई और मेरा रिश्ता है वो जीजा साले से ज्यादा बेहतर दोस्त है और दोस्त से बेहतर भाई वाला रिश्ता है और एक और रिश्ता है जो बिजनेस पार्टनर्स का तो सब सारे रिश्तों का बोलते तो फिर भाई जी ज्यादा बेटर है। रिश्तेदारों के सामने मैं जीजा जी बोल देता हूँ मैं रिश्तेदारों के सामने तो बोलता ही नहीं कुछ बात ही नहीं करता चुपचाप से रहता हूँ नहीं हाँ ये बात है हम सब प्रैक्टिकल हैं क्या ठीक रहता है मैं कह रही हूँ रिश्तों में दिल से इज्जत होनी चाहिए मन से इज्जत होनी चाहिए शब्दों में कुछ नहीं करता मतलब इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी अपने जीजा को भाई बोलने लग जाओ मारेगा बहुत तुम्हें हमारा चलता है। तो भाई फाइनली बड़ी मशक्कतों के बाद हम लोग सोच साच के आ चुके हैं मोमोज पॉइंट में क्योंकि जो हमारे निक्स किचन वाले हैं ये लोग कभी मोमोज पॉइंट नहीं आए थे ऐसे कैसे आओगे तुम यहाँ के थोड़ी है बोला था कि आप यहाँ पे ट्राई करना इसलिए आए हम हमारे
हमें खुद को आना होता ना तो हम नहीं आते यहाँ पे, मतलब अपनी मर्जी से। मैं इतने पैसे खर्च करके मेरे को मजा नहीं आता, मैं अपने यहाँ के 500 वाले खा लेता हूँ, काम चला लेता हूँ। मगर ये बात तो कहनी पड़ेगी, जो हम लोग जनरली ज्यादा चगाव पे जाते हैं वो खाली अपने सब्सक्राइबर्स के कहने पे ही जाते हैं। हाँ है ना, अपने खुद के मन से है ना, हमारी जो रेगुलर जगह होती है ना वही जाते हैं अपने लिए। भैया वो 10 रुपए को 10 तक हो गए थोड़े, 40 बता रहे हो। हां भाई ये बात तो करनी पड़ेगी। और अभी ना मेरे से सृष्टि पूछ रही थी कि प्रियंका दी और भाई आप में डिस्टेंस गैप कितना है, एज का कितना है, मतलब 24 दो साल का सृष्टि, दो साल का गैप प्रियंका जी और मेरे में। जिस हिसाब से रिस्पेक्ट देते हैं लगता है 8-9 साल का आराम से गैप होगा। ये बड़ा लगता है ना यार, इज्जत दे दो पूरी, इज्जत रास नहीं आ रही है दीदी की तुम लोगों को है? नहीं नहीं ठीक है, हम लोग ऐसे बोलते नहीं है ना यूजुअली अपनी बहन में, बोला चल चल खाना बना। नहीं नहीं यार अभी प्रॉपर्टी में, अभी अभी प्रॉपर्टी, अरे भाई अभी प्रॉपर्टी में बंटवारा हुआ नहीं ना, रुक जा अभी। ऐसी बात नहीं है, मतलब रिस्पेक्ट स्टार्टिंग से देता हूँ। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं मैंने एज बताई नहीं है, मेरी एज पता है आप लोगों को? नहीं पता तो आप ही ऐसे बताओगी। आई एम स्वीट 16 और भाई मोमोज की प्लेट आई है देखो। ये तो मेरे दादाजी भी कहते थे। क्या कहते थे? स्वीट 16। मैं मेरे दादाजी से पूछता, मैंने कहा आपकी एज क्या, उन्होंने बोला आई एम स्वीट 16। स्वीट 16 89 थी उस टाइम। ओ भाई साहब, भाई तुम्हें ना इस प्लेटों को देख के लग रहा होगा कि हम खाना खाने वाले, मगर नहीं भाई, हम लोग क्या खाने वाले हैं? मोमोज। मैं यही सोच रहा हूँ, मैंने कहा इसमें खतरनाक प्लेटें क्यों दी है मोमोज के लिए, तो हमारे पत्थर चुप। नहीं ये भी ठीक है भाई, महंगी जगह। भाई फाइनली हम लोगों ने मंगा लिया, हम लोगों ने दो आइटम भाई, एक मंगाया हमने हमारे स्टीम मोमोज और एक मंगाया कि ये कौन सा तंदूरी। भाई ये ब्लॉगर लोग कहीं नहीं रुकते, जहाँ खाना देगा भाई कैमरा चालू कर देते हैं। हो गया, भूख लग रही है। क्यों? जो बिना कैमरे के खाता है। लेकिन ये बात आप बता नहीं पाओगे फिर, क्योंकि जब आप खाना ही खा जाओगे बिना कैमरे के तो लोगों को पता कैसे लगेगा आप असली फूडी। अब वो कर रहे हैं ना, मैं कर रहा हूँ ना। नहीं हम भी आज अपना व्लॉग नहीं कर रहे हैं है ना, ये चटनी भाई चटनी बहुत अच्छी इनकी, रेट वाली है ना, नो डाउट भाई। मोमोज के रेट फिर भी थोड़े ज्यादा है, मगर चटनी बहुत बढ़िया भाई इनकी रेट वाली। बढ़िया थे भाई वो, बढ़िया थे उसकी चटनी, बहुत अच्छी रेट वाली हमने बनाई थी। क्या कह रहे हो? बैठे तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर, इसलिए सैड है बात करके गर्लफ्रेंड थक गया, छूट करके थक गया। ओ कोई नहीं, जब हमें चाहिए होता ना तब नहीं आता, और जब नहीं चाहिए होता तब आ जाते हैं। भाई फाइनली खा पी के आ चुके बाहर और हालत खराब होगी भाई, और बाहर आने के बाद भी ना इनको भूख लग रही है और भी ज्यादा। अंदर हमने दो तरीके के मोमोज खाए हैं और भाई पिज्जा खाया, मगर फिर भी भूख लग रही है, तो ये लोग खा रहे हैं लाफिंग। भाई साहब भाई सो गुड, मजा आ गया, पैक करा लो प्लीज, बहुत क्रेविंग हो रही है। रेड चिली लाफिंग नहीं खाते, मजाक कर रहा भाई, बहुत तेज है भाई, कैसे खा लेते लड़कियां सारा। मैं वही सोच रहा हूँ, मैं कैसे खा लेती हूँ, अभी अंदर खा के आई फिर बाहर खाना है। इसको ज्यादा खाना है मोटे आदमी। सर भाई चल रहे घर पे, भाई ये नाम बड़ा सही है, क्या कहते हैं भाई? हर्ष पता है, हर्ष सुना तो देखो कहाँ पे अंदर बैठा हुआ। भाई आजा बाहर खाने बाद में सुन लियो क्या रहा भाई। तो भाई अंदर का गाना सुन के अच्छी जाती है क्या? फ्रेश है अभी, क्या कुछ कर रहे थे ना अभी? करो कल पे थकान दिख रही है मेरे डार्क सर्कल। तुम भाई तुम्हें पति मेरा और मेरे भाई को दया आती है मुझ पे? भाई बिल्कुल आती है प्रियंका जी, 200-300 करोड़ कमा के देता हूँ मैं, फिर आराम करना। देख रहे हो, देख रहे हो, 200 मेरे को दे, 200 ऋषभ के दे दो, उसके बाद तो तुम जो मर्जी करो। यार एक साल में मैं क्या से क्या हो गई हूँ, मोटी से और मोटी हो गई। मैं मोटी अब हो गई हूँ भाई। क्या पहना तुमने जरा, ये जैकेट चंबल जैकेट के नीचे क्या पहना तुम? शर्ट है और शर्ट के नीचे शर्ट और शर्ट के नीचे 50 तोला। 50 तोला ये भी सही है। अभी रिटेक, अब अभी आ जाओ एंटर एंड ये एक्शन, भाभी एक्शन है, आप सुंदर हो भाभी। अरे आ जाओ यार, जय गुरु जी, आ जाओ, चलो कुछ नहीं कर रहे, आ जाओ वीडियो बंद है भाभी।
ये चाय भाई प्राची चाय बहुत अच्छी बनाती है, बहुत अच्छी, सारी थकान उतर जाएगी हमारी। शुक्रिया भाभी। तो हम लोग पढ़ते हैं चाय, कहां जा रहा, क्या बना भाई, तो हम लोग पीते हैं चाय, दोबारा बोलो दोबारा। तो हम लोग पीते हैं चाय और थकान हो रही है, सारी थकान उतार लेंगे, फिर जाइए घर। और आप लोगों को मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और दिन, तब तक के लिए राम राम।